हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टीचर रिक्रूटमेंट KGBV टीचर रिक्रूटमेंट के साथ में यहाँ पे स्टाफ रिक्रूटमेंट भी होती है, जिसमें 8 स्टैंडर्ड पास कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल होते हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। तो टीचर रिक्रूटमेंट एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल की नोटिफिकेशन को हम कवर करते हैं। सैलरी है फुल टाइम टीचर्स के लिए 22,000 रुपीज पर मंथ है। एग्जामिनेशन और इंटरव्यू नहीं होती है टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, मेरिट बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, सीधी भर्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं वेबसाइट पर सीधे और सारी डिटेल्स हम कवर करते हैं। ये नोटिफिकेशन फ्रेश नोटिफिकेशन है, अलग जगह से आई है, बहुत सारी जगह से वन बाय वन आती जा रही है और मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बनाए, अभी भी बहुत सारे नोटिफिकेशन मेरे पास अब भी पड़े हुए हैं, उनको भी मैं बनाने वाली हूँ वन आफ्टर अनदर। तो सब में एप्लीकेशन डाली, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। पूर्णकालिक शिक्षिका में पहले मैं बता दूं कि फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन जो पार्ट टाइम शिक्षक या शिक्षिका, यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, कला, क्राफ्ट, संगीत है, गृह शिल्प है। उर्दू में भी मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट पूर्णकालिक शिक्षिका मीन्स फुल टाइम जो टीचर पोस्ट है उनके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाता है और वो ही सिर्फ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से, और साथ ही साथ बहुत सारे और भी पोस्ट होते हैं, लेखाकार, सहायक, रसोइया। लेखाकार एक बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, यहाँ पर बीकॉम वाले कैंडिडेट बिल्कुल विदाउट एनी अदर एक्सपीरियंस, एनी अदर सर्टिफिकेट लेखाकार के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो ये जरूर चेक किया करें कॉमर्स बैकग्राउंड वाले। सहायक, रसोइया, चौकीदार, ये सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जहां पर 8 स्टैंडर्ड पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। ये कहां से आई है? हमीरपुर से आई है। हमीरपुर तो ये भी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक तो उत्तर प्रदेश में ही है ये भी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये नजर आ रही है आपको ऑफिशियल वेबसाइट, ऊपर नजर आएगी आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहीं पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली नोटिफिकेशन आपको नजर आती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया 20 जून तक आपके एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए पंजीकृत डाक से। देखिए कोई भी पोस्ट से ना भेजे, जो भी एडवर्टीजमेंट में मेंशन की होती है वो भेजे, अगर पंजीकृत डाक मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट तो रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजे, ऐसा एडवर्टीजमेंट में अगर मेंशन किया हुआ है तो। 20 जून तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए, उसके बाद मिले हुए एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो बिल्कुल टाइमली पहुंचनी चाहिए। अब साधारण डाक से दस्ती रूप से और निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो बिल्कुल साधारण डाक से ना भेजें। जो पोस्ट है वो आपको बता दिया मैंने, गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, सामाजिक विषय है। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए 22,000 रुपया फिक्स है। अंशकालिक पार्ट टाइम के लिए मेल के फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं 9,800, पर ये पार्ट टाइम है, तो पार्ट टाइम है मीन्स आपको फुल टाइम वहां पे काम नहीं करना होगा पार्ट टाइम के लिए। उर्दू के लिए 13,200 है, लेखाकार के लिए 11,000 है, बाकी सहायक, रसोई या चौकीदार के लिए 5,000 और उसके ऊपर है। अब यहाँ पर मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिका के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टेट की एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी, तो यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए और ट्रेंड ग्रेजुएट होनी चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट में अभी आपने ट्रेनिंग कैसे ली हुई है, आपने ग्रेजुएट की हुई है या सॉरी बीएड की हुई है या डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो जो भी अगर यहाँ पर मेंशन देखे बीएड या एलटी या समकक्ष, तो बीएड एलटी समकक्ष में कई बार आपके पास डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होती है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट इन्होंने लिखी हुई है। उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए लेकिन, तो इसके अलावा जो पूर्णकालिक सभी शिक्षिका के सभी पोस्ट के लिए उच्च स्तर की टेट होनी ही चाहिए, बीएड या फिर एलटी या फिर इक्विवेलेंट आपके पास टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम के लिए यहाँ पर कंप्यूटर के लिए देखें आप बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं, बीएड या एलटी या फिर इक्विवेलेंट इनके पास भी होनी चाहिए कंप्यूटर टीचर। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वेरी करते हैं कि हमारे पास टीचर ट्रेनिंग नहीं है तो क्या एप्लीकेशन डाल सकते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर कस्तूरबा में रूल्स ऐसे नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग रूल्स होते हैं, कस्तूरबा में आपके पास टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। और इसके बाद में इनमें से बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिए, पीजीडीसीए है, बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, डोएक से आपने की हुई है, प्लेन ग्रेजुएट है आप किसी भी सब्जेक्ट से और बाद में आपने डोएक से की है ए लेवल या ओ लेवल डिप्लोमा
तो या इक्विवेलेंट, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट ट्रेंड होनी चाहिए। यहाँ पर भी ट्रेडिंग होनी चाहिए सभी के लिए, तो सिर्फ अंशकालिक शारीरिक शिक्षा के लिए बीपेड, सीपेड या अथवा तथा डीपेड वाले एप्लीकेशन डाल सकेंगे। यहाँ पर ट्रेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है। मुख्य रसो या सहायक रसो या चपरासी, चौकीदार, इन सब के लिए 8 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और हेल्थ कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर लेखाकार के एक पोस्ट के लिए नहीं दिया हुआ है, लेखाकार के लिए जहां तक मैंने देखा है कि कॉमर्स वाले ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर की कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें इनक्लोजर में डालनी है वो बहुत अच्छे से ध्यान से रखें। कस्तूरबा में हमेशा 2 एनवेलप एक्स्ट्रा डालनी होती है, क्योंकि उस पर आपका नाम पता लिखा होना चाहिए और उसमें 45 रुपीज की डाक टिकट लगी होनी चाहिए, तो वो आपको कम्युनिकेशन के लिए वो एक्स्ट्रा लिफाफा देना होता है। उसके साथ में आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है सभी की स्वप्रमाणित, मीन्स खुद से साइन की हुई, खुद से सिग्नेचर की हुई आपकी सर्टिफिकेट्स इंक्लोज किया करें, और उन सभी को भर के रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजनी है। ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, 11 मंथ्स 29 डेज के लिए होती है ये, और बाद में इसे संविदा को बढ़ाया भी जा सकता है, कई बार बढ़ाया भी जाता है। और शिक्षक या शिक्षक नेतर स्टाफ की नवीन चयन के पश्चात संबंधित कार्मिक द्वारा चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड या परीक्षा स्थान से सत्यापन, आधार एवं निवास का सत्यापन उपरांत ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। मीन सभी चीजों को, सर्टिफिकेट्स को आपके वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद ही फिर सैलरी स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी पीडीएफ में, और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेंगे। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे कस्तूरबा के नोटिफिकेशन मेरे पास हैं फिलहाल, तो मैं उन्हें 1 बाय 1 वीडियोस बनाकर अपलोड करती चली जाती हूँ। इसके साथ ही बता दूं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मैंने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी बनाई हुई, यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ शेयर करती रहती हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी एडवर्टीजमेंट आपको मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। जब आप सी ऑल करते हैं, यहाँ पर सरोज मिश्रा चैनल के नाम से फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी बनाई हुई है, यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स हैं, स्कूल के, कॉलेज के साथ प्लेन प्रोपोज ग्रेजुएट्स के लिए भी जॉब्स आपको मिलेंगे, ग्रेजुएट्स के लिए भी जॉब मिलेंगे। ये एडवर्टीजमेंट मैं शेयर करती हूँ आपके साथ पीडीएफ, इसको आपको पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद आप उसको, अगर आपके सुटेबल है, आपकी लोकेलिटी में आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल वहां पर दी होती है, उसके हिसाब से आपको खुद एप्लीकेशन डालनी होती है। मैं सिर्फ इन एडवर्टीजमेंट को अलग अलग न्यूज़पेपर से, अलग अलग स्टेट के न्यूज़पेपर से या अलग अलग वेबसाइट से सर्च करके आपके लिए फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। अगर आप ज्वाइन होना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।